1947, जैनब और बूटा सिंह की प्रेम कहानी। ए बंटवारे, तूने कैसी जलील सी हरकत की, बट गई जिंदगियां दोनों तरफ, बटनी तो बस सरहद थी। रोमियो जूलियट, हीर रांझा, शाहजहां मुमताज की दास्तान मोहब्बत इतिहास की जिस किताब में दर्ज है उसमें एक पन्ना बूटा सिंह और जैनब के नाम भी होना चाहिए। बंटवारे के दौर की एक ऐसी दर्दनाक प्रेम कहानी जो गवाह है इस बात की कि सरहदें मुल्क बना सकती हैं, बदल सकती हैं, पर एहसास मोहब्बत। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाके यानी दोनों तरफ के पंजाब मजहबी दंगों की आग में जल रहे थे। औरतों के जिस्मों पे भी जैसे जमीन के टुकड़ों की तरह मनमानी लकीरें खींची जा रही थी। पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम काफिले से अगवा की गई जैनब अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए अमृतसर के खेतों से भागती हुई बूटा सिंह से टकरा गई, जिसने जैनब की जान और आबरू बचाने के लिए दंगाइयों से उसे पैसे देकर खरीद लिया। कुछ कहानियां बताती हैं कि बूटा सिंह 55 साल का रिटायर्ड फौजी था और जैनब 20 साल की लड़की, जिनमें साथ रहते रहते नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गईं कि दोनों ने मजहब की दीवारें तोड़कर शादी कर ली और दो खूबसूरत बेटियों के माँ बाप बने। मगर विभाजन के बाद भी कई और बंटवारे बाकी थे। दिसंबर 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने एक इंटर डोमिनियन ट्रीटी साइन की, जिसके अनुसार सरहद पार अगवा की गई हर औरत को स्वदेश लौटाया जाएगा। बूटा जैनब के दुश्मन कम ना थे। किसी ने सर्च स्क्वाड में खबर कर दी कि जैनब को भी बूटा के साथ जबरदस्ती रखा गया है। नतीजा ये हुआ कि जैनब को सरहद पार उसके गाँव भेज दिया गया। एक बेटी बूटा के साथ हिंदुस्तान में, दूसरी जैनब के साथ पाकिस्तान में, और दोनों तरफ विभाजित दिल। वहां पाकिस्तान में जैनब के जबरन निकाह कराए जाने की खबर मिली। महीनों तक बूटा सिंह दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीजा की गुहार लगाता रहा। जैनब से मिलने के लिए धर्म बदलकर बूटा सिंह से जमील अहमद बन गया, ताकि उसे पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तान में दाखिला मिल जाए। बूटा को पाकिस्तान का शॉर्ट टर्म वीजा मिला तो सही, मगर बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। घर वालों के दबाव की वजह से जैनब की शादी हो चुकी थी। जैनब की आंखें तो बूटा को देखकर रो पड़ी, पर होठ खामोश रहे। जैनब से मिलने की जल्दी में बूटा सिंह ने पाकिस्तान में अपने आने की जानकारी पुलिस स्टेशन में नहीं दी थी। इस वजह से कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उसने जैनब को अपनी पत्नी और इन दो बच्चियों की माँ बताया, रोया, गिड़गिड़ाया। जब कोर्ट में मैजिस्ट्रेट ने जैनब से इसका जवाब मांगा तो जैनब ने कहा, अब मैं यहां शादी करके पाकिस्तान में रहना चाहती हूं, इस आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं। बूटा सिंह जानता था कि जैनब ने दबाव में ऐसा किया है, मगर अपने दिल के टुकड़े टुकड़े लेकर वो पीर बाबा की मजार पर रोता रहा। हाथ में छोटी बच्ची और आंखों में भारी आंसू लिए वो स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। मगर न जाने उस पल में उसने क्या सोचा कि आती ट्रेन के सामने कूदकर बूटा ने अपनी जान दे दी। साल 1957, बूटा की मौत की खबर अब मोहब्बत की मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में गूंज रही थी। हर अखबार में जिक्र था कि बूटा सिंह ने अपनी आखिरी इच्छा यही रखी थी कि उसे जैनब के गांव में दफनाया जाए। हिंदुस्तानी जट की मोहब्बत के चर्चे अब पाकिस्तान में थे, मगर मोहब्बत के दुश्मनों ने बूटा के जनाजे को जैनब के गांव भी ना आने दिया। आखिरकार बूटा को लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहिब में दफनाया गया। वहां पर भी जैनब के घर वालों ने उस कब्र तक को खोदने की कोशिश की, मगर मोहब्बत पसंद लोगों ने कब्र को बरकरार रखा। मोहब्बत की इस दास्तां को उर्वशी बुटालिया की किताब द अदर साइड ऑफ साइलेंस, वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, हिंदी लेखक आलोक भल्ला के कलेक्शन पार्टीशन डायलॉग्स, और 1999 में आई गई गुरदास मान और दिव्या दत्ता की फिल्म शहीद मोहब्बत में भी दोहराया गया है। 75 साल होने वाले हैं, मगर कुछ सिसकियां, कुछ जख्म अब भी वही हैं। हमसे पूछते हैं, बंटवारा कोई हल था, या खुद एक सवाल है?